हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन कॉइन का। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसेंट जो पार्टनरशिप्स हुई है उनको मद्देनजर रखते हुए कितना ग्रो कर सकता है, यानी इसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाई किया है तो होल्ड रखें या ना रखें, तो ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। अगर करंट में आप देखोगे तो 10.604674 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है एंड इससे पहले काफी ज्यादा पंप भी कर गया था लेकिन फिर दोबारा डाउन आ गया है। यहाँ पे एक और फ्रस्ट्रेशन रहती है यूजर्स की जो मैं लास्ट में मतलब आपको एड्रेस करूंगा, जहां पर कुछ लोग इस प्रोजेक्ट से फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो 395.688 ऐसा कह सकते हो, इतनी ट्रिलियन है अभी करंट में, और इनिशियली जब डेवलप हुआ था तब 1000 ट्रिलियन थी, उसमें से काफी ज्यादा पोर्शन बर्न हो गया है, यानी 57% सप्लाई अभी तक बंद हो चुकी है। 50% पहले बंद हो गई थी, लेटर ऑन बाय सेवरल इवेंट, बाय मैनुअल बर्न और कह सकते हैं जो कम्युनिटी ड्रिवन बर्न होते हैं या कह सकते हैं वॉलंटियर बर्न है, उनसे भी 7% सप्लाई बंद हुई है। इन्होंने अपने फायर एनएफटीज भी लॉन्च की थी, उससे भी थोड़ी बहुत सप्लाई बंद हुई थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब तक एक्टिव एंड सस्टेन बर्न मैकेनिज्म नहीं होती तब तक आप मतलब अच्छा खासा बर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो मैनुअल बर्न या कम्युनिटी ड्रिवन बर्न है उनमें इतने ज्यादा सक्सेस देखने को आज तक नहीं मिली है, और वो काइंड ऑफ लाइक एक टाइम के बाद फीके पड़ जाते हैं, एंड द एग्जांपल इज शिबाइन। अगर इसको आप बाई करना चाहते हो तो क्यू कॉइन पर बाई कर सकते हो, बहुत इजीली आप पैनकेक स्वैप पर बाई कर सकते हो और अदर एक्सचेंज ऑल्सो, जैसे बिकोनोमी एक्सचेंज पर अवेलेबल है, बिटमार्ट पे, लेटोकन पे। रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई है कॉइन डीसीएक्स पर, विच इज मेजर, क्योंकि इंडिया में अगर देखो जो काफी पॉपुलर जो क्रिप्टो एक्सचेंज उनमें से एक है कॉइन डीसीएक्स, और अगर उस पर लिस्ट हुआ है तो इसके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने, कुछ दिन पहले ही यानी नियरली आप ऐसे समझो 12 अक्टूबर को अनाउंस किया था कि ये वहां पे लिस्ट हो गया है। अगर इनका व्हाइट पेपर देखो तो बहुत ऑर्डिनरी है, इनको व्हाइट पेपर अपडेटेड रिलीज करना चाहिए। रिसेंट पार्टनरशिप्स हुई है उनको मद्देनजर रखते हुए आगे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, एंड स्पेसिफिकली अब इनको अपनी ब्लॉकचेन से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपडेट करनी चाहिए, इनको वेबसाइट भी अपडेट करनी चाहिए जो इन्होंने नहीं की है। व्हाइट पेपर अगर आप देखो तो बहुत ऑर्डिनरी है, उसमें सिर्फ रोड मैप है और रोड मैप जैसे ही खत्म होता है उसके साथ ही व्हाइट पेपर खत्म हो जाता है, तो दिस इज नॉट द व्हाइट पेपर, अभी ये काफी पुराना हो गया, इनको अपडेट करके रिलीज करना चाहिए। अगर आप होल्डर्स देखोगे तो डेफिनेटली जो टॉप वॉलेट है वो नल एड्रेस है, जिसमें 57.29% सप्लाई बंद हो चुकी है। सेकंड बिगेस्ट होल्डर अगर देखो उस पर 7.5% सप्लाई है, बट जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें आप अनस्टेक वाले टैग देख सकते हो, तो डेफिनेटली किसी पर्सन का वॉलेट नहीं है और ये स्टेकिंग से जुड़ा हुआ है, तो आप इससे निश्चिंत रह सकते हो। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिटगट कॉइन। इसमें इनको करना क्या चाहिए बिटगट मतलब प्रोजेक्ट वालों को, एक्चुअली यहाँ पे डेडिकेटेड मतलब जो टैग होना चाहिए, कितने प्रोजेक्ट इस पर डेवलप हो रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, उसके साथ साथ जो इनकी चेन है उससे डेडिकेटेड एक सेक्शन ऐड करना चाहिए, जो अभी करंट में क्या कंडीशन है, कितनी टीपीएस आ रही है, वो सारी चीजें ये इन्होंने बहुत मतलब कह सकते हैं ग्रे एरिया में रखा, नहीं अवेलेबल कराया, जबकि क्लेम किया 1 लाख टीपीएस तक, तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। पार्टनर्स में आप देखोगे तो उसमें आप जैसे कुछ पार्टनर देख सकते हो, जैसे डिफाई लामा है, डेक्स टूल्स है। अब डेक्स टूल प्राइस शो करता है, अब ठीक है वहां पर ट्रेस हो रहा है इसका प्राइस, तो उन्होंने लिख दिया है कुछ प्रोजेक्ट इस तरह से कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली इन दोनों का कोई मतलब नहीं, डिफाई लामा और डेक्स टूल्स का। सिफाइनिक्स लैब करके ये मेजर है, लेकिन अगर आप इसके मेजर पार्टनर देखो, आई डोंट लाइक दिस टोकन एट ऑल, आई डोंट नो लाइक व्हाई, आई जस्ट डोंट लाइक इट। SWFT ब्लॉकचेन बेटर बेटर मतलब पार्टनर में से एक है, लेकिन जो मल्टी चेन के साथ इनकी जो पार्टनरशिप रिसेंटली हुई है दैट इज मेजर, वो डेफिनेटली हम मेजर कंसिडर कर सकते हैं, और ये बाइनेंस पे भी लिस्टेड है, ये कॉइन जो है बाइनेंस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। किसी दिन डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस इसका भी हम करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा, तो अभी तो ऑलरेडी लिस्ट कम से कम 60 कॉइन की हो गई है, पहले उन्हें निपटाना है। ग्रांट प्रोग्राम भी इन्होंने चलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को अपने ब्लॉकचेन पे लेके आ सकें, और ये डेफिनेटली अच्छा मूव रहता है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए, जब तक वो ग्रांट नहीं प्रोवाइड करते तब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट उनके ब्लॉकचेन पे नहीं आते। सेंसेक्स इज रिस्पॉन्सिबल, इट्स नॉट सेंसेक्स, सेंटसेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी इस पर डीएफ्स बनती है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, और जो भी इकोसिस्टम में इसके में एप्लीकेशन होते हैं उनको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी भी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, अगर आप देखोगे तो 4206 भी रैंक है। अब बाकी जो इसके किस तरह से है, क्या क्या मतलब इसके फंक्शन है, क्या इसका रोड मैप है, दैट इज लाइक फर्दर कंसर्न, उसको बाद में कभी एनालाइज करेंगे, तो अच्छी कंडीशन में तो ये भी नहीं है। ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेंसेक्स, इस पर ज़्यादा कुछ डिटेल अवेलेबल नहीं है, बेसिक है, और रोड मैप अगर इसको देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है।
स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री करके दे दिया है, एंड ये जो अचीव किया है सितंबर 2022 में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि रोड मैप वॉल्यूम टू अवेलेबल कराएंगे, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन नाउ। बट ठीक है, इसको ऐसा कह सकते हैं ऑर्डिनरी कॉइन है, ज्यादा बेटर कंडीशन में नहीं है। ठीक है, बीरा स्कैन को आप देखोगे तो वहां पे आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगी, करंट में कितनी टीपीएस आ रही है नो डिटेल इज अवेलेबल। उसके साथ जो ब्लॉक प्रोडक्शन के टाइम में डेफिनेटली इन्होंने मेंशन किया 15 सेकंड है, दैट इज टू लेस। एंड एक्टिव नोड कितने बोले, 11 में से 11 भी नोड एक्टिव है। अगर इतने नोड है तो डेफिनेटली बहुत कम है अभी, क्योंकि जितने ज्यादा नोड होंगे उतना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगी ब्लॉकचेन, और जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगी उतना ही ज्यादा बेटर है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इनको जो नोड है वो डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। गैस प्राइस अभी काफी कम दिखा रहा है, गैस प्राइस 7 GWEI दिखा रहा है, इस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट थिंग रोड मैप, रोड मैप अगर आप देखो, हम यहाँ पे मेनली देखते हैं आगे क्या होने वाला है उससे रिलेटेड। अगर अगस्त से नवंबर 2022 का देख लें तो उसमें जो मेन मेन है आप उसको पहले नोटिस कर लो, पे बी राइज, BRC वॉलेट इंटीग्रेशन, स्टार्टअप स्टूडियो प्रोजेक्शन एक्सपेंशन, पे बी राइज DApp बीटा लॉन्च, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस, यूजर इंटरफेस वायर फ्रेम, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस फ्रेमवर्क, सेंट्रलाइज एक्सचेंज बीटा लॉन्च। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का बीटा लॉन्च कर देंगे एंड्रॉयड वर्जन में बोल रहे हैं इसमें, और आगे जो है यानी जो दिसंबर से लेकर फरवरी 2023 तक, उसमें कुछ और चीजें करने वाले। लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पे कॉमन देखने को मिल जाएगी, जैसे तो पहले तो है तो Web 3.0, जियो डाटा मैपिंग जो ग्राफिक्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर बाद में आपको Web 3.0, जियो डाटा मैप से रिलेटेड आपको दो तीन और टास्क दिख जाएंगे आगे तक, जो इसको धीरे धीरे करके डेवलप करने वाले हैं, एंड ओरेकल ऑल्सो। तो आगे चल के सिर्फ इतना ही नहीं है, मल्टी चेन से डेफिनेटली इनके लिए नया डायमेंशन ओपन हुई है, और उसके साथ ही जो अदर भी चीजें उन्होंने अनाउंस की उसको भी थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट थिंग स्टार्टअप, ये जो स्टूडियो है इनका वो मतलब काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहा है नए नए प्रोजेक्ट्स को, एंड उन्होंने इस तरह से डिजाइन भी किया है स्टूडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल पाए जो एक नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। इन्होंने अपने जो स्टेबल कॉइन्स मतलब अवेलेबल कराए, स्टेबल कॉइन्स एक बहुत की रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। स्टेबल कॉइन्स में मतलब यहाँ से एक चीज और मेंशन कर दे रहा हूँ, ये सब लोगों के लिए काम की हो जाएगी। जैसे आप कभी भी पैनकेक स्वैप यूज करते हो, आप स्वैप बैक करते हो, तो आप BNB में स्वैप किया करो, BUSD में स्वैप किया करो। BNB रखा करो सिर्फ गैस फीस कवर करने के लिए, BUSD में रहेगा तो आपकी वैल्यू प्रिजर्व रहेगी। BNB का प्राइस भी वेरी करता है, और BUSD को जब वापस आप बाइनेंस पे ले जाओगे या बाइनेंस से वहां पे ले जाओगे ट्रस्ट वॉलेट में, जीरो फीस लगती है आपको। 0.05 जो BNB देने पड़ते हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे, आप बस एक बार लोड कर लो BNB, बाकी BUSD यूज किया करो। इसीलिए BUSD मतलब जो स्टेबल कॉइन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया है, जो स्टेबल कॉइन ऑलरेडी अवेलेबल है जैसे USDT है, USDC है, BUSD है, या फिर मैटिक और शिबा इनू जो अदर कॉइन भी है, उनके पैक्ड में जो कॉइन अवेलेबल करा दिए, और जो कॉइन है वो पैक्ड है मतलब बैक्ड है जिस मतलब अमाउंट से उन्होंने ऑलरेडी वॉल्ट में मतलब कह सकते हैं लॉक रखे हैं, और ओवर ओवर कह सकते हैं कोलेटरल रखा है, और उसको डिटेल भी पब्लिकली अवेलेबल कराइए ताकि आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर इतने कॉइन ये सर्कुलेशन में है जो पैक्ड वाले हैं तो वाकई में इतने कॉइन की वैल्यूएशन इनके पास है या नहीं है, तो उसकी डिटेल भी इन्होंने अवेलेबल कराई। दैट इज ट्रांसपेरेंट, इसको आप सही मान सकते हो। ठीक है, कौन से अवेलेबल है, USDT अवेलेबल है, USDC अवेलेबल है, मैटिक है, BUSD है, शिबा इनू है, एंड BNB भी अवेलेबल है, और इथीरियम एंड सो मेनी, इस तरह सब देख सकते हो, लंबी लिस्ट है। ये कॉइन इन्होंने पैक्ड वर्जन में अवेलेबल कराए। अनदर थिंग दिस थिंग मतलब कह सकते हैं अभी काफी इसके लिए बड़ी होगी, अभी इसमें आपको डिटेल ज्यादा नहीं दिखेंगी क्योंकि रिसेंटली ही इंटीग्रेशन हुआ है, मल्टी चेन का इंटीग्रेशन है बहुत सारी ब्लॉकचेन के साथ, नियरली लाइक 60 to 65 ब्लॉकचेन के साथ। तो उसमें अब ये जो अपना जो ब्रिज है उसको पोर्ट कर रहे हैं मल्टी चेन पे, अगर मल्टी चेन पे पोर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी एसेसिबल विद द लाइक सेवरल ब्लॉकचेन जिसका मल्टी चेन के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेशन है। आइसक्रीम स्वैप इज अनदर प्रोजेक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट जब मैं इसे वॉलेट कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में एनालाइज नहीं कर पाया, लेकिन हाँ आप इस तरह समझ सकते हो अनदर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है, आप मतलब काइंड ऑफ लाइक इनकी काफी ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप है उसके साथ आइसक्रीम स्वैप के साथ। बिटगट अगर आपको स्टेक करने हैं तो इसके स्टेकिंग भी अवेलेबल है, दोनों चेन पर अवेलेबल करा दी, यानी BRise की मतलब जो चेन है बिटगट की जो स्मार्ट चेन है उस पर भी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी अवेलेबल है, अप टू 80% APY अवेलेबल करा रहे हैं अगर आप उस पर जो सब मतलब अपने टोकन लॉक करते हो, तो अगर स्टेक करना चाहो तो वो इस पर चीज अवेलेबल है। आप थोड़ा सा जाते हैं इनकी चेन की जो डिटेल्स हैं उसमें,
तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इनको अपने चेन का डाटा काफी ज्यादा अपडेट करना चाहिए, कहीं भी ये ट्रेस नहीं हो पा रहा है कि इनकी जो टीपीएस है वो कितनी आ रही है और या मतलब कितनी ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन चलो डिटेल ट्रेस हो रही है, लेकिन वो जो क्लेम 1 लाख TPS का है वो कहीं से वेरीफाई नहीं हो रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। 8 महीने पहले उन्होंने जो बी राय चेन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए थे और उसमें दोबारा फिर कुछ अपडेट किया ही नहीं है, और वही बेसिक डिटेल यहाँ पे अवेलेबल करा दी है कि ये ईवीएम कॉम्पेटेबल है और हमारी टीपीएस बहुत ज्यादा है, नियरली जीरो गैस फीस वाली ब्लॉकचेन है, इस तरह की चीज अवेलेबल करा दी है। एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, 12 अक्टूबर के आसपास ही इन्होंने क्या किया था, इनके जो ब्रिज है उसमें काइंड ऑफ लाइक मैनिपुलेशन हुआ था, किसी हैकर ने ट्राई किया था हैक करने का, इन्होंने बोला हमारी टीम ने क्विकली रिएक्ट किया और उसको लॉस को मिनिमम रखा है, लेकिन फिर भी मतलब ये चीज भी ध्यान रखनी कि जो मतलब जो प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट अवेलेबल भी करा रहे हैं उनकी क्वालिटी वाइज मतलब ऐसा तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए आगे चल के और फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इस प्रोजेक्ट के साथ। इंट्रोडक्शन टू बी राइट चेन भी आप देखो उसमें ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, बी राइट चेन विल बी होगी कैसी, ईवीएम कॉम्पेटेबल इंटरऑपरेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद ऑन चेन गवर्नेंस। इंटरऑपरेबल डेफिनेटली हो रही है बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप विद मल्टी चेन, ईवीएम कॉम्पेटेबल इन्होंने बोला है ठीक है हम बिलीव कर रहे हैं, लेकिन टीपीएस हम कहीं वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी है। सिफिनिक्स लैब करके जो है इसी का लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम और इनकी भी इनके साथ पार्टनरशिप है और ये भी काफी अच्छे लेवल पे डेवलप कर रहा है। मिडास इनका एनएफटी मार्केट प्लेस है, इस पर आपको ऑलरेडी दिख जाएंगी सिवरल एनएफटीज, इन्होंने अपने बर्न एनएफटीज भी यहाँ पर करेक्शन ड्रॉप किया था जिससे ज्यादा से ज्यादा बर्न कर रहे थे, और इसमें आपको जो भी एनएफटी दिखेंगी उनका प्राइस आपको बी राइज के फॉर्म में ही दिखेगा, यानी एक यूटिलिटी क्रिएट हो गई इस कॉइन की कि जितना ज्यादा पॉपुलर होगा एनएफटी मार्केट प्लेस उतना ही ज्यादा बी राइज कॉइन भी यूज होगा, क्योंकि अगर किसी को बाई करना है या सेल करना है तो उस केस में उसको पहले बी राइज टोकन बाई करने पड़ेंगे, अगर मुझे मुझे खरीदना है तो बी राइज टोकन बाई करने पड़ेंगे तब मैं इसको बाई कर पाऊंगा, या मुझे सेल भी करना है अगर मिंट भी करना है तो उसके लिए भी मुझे बी राइज टोकन की जरूरत पड़ेगी। नाइट फाइनेंस अनदर प्रोजेक्ट जो क्रॉस चेन रैप असेट्स को प्रोवाइड करता है एंड काइंड ऑफ लाइक क्रॉस चेन एक्सेसिबिलिटीज में अवेलेबल है एंड इट्स पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ बी राइज चेन। अब अगर डिफाई लामा पे जाके देखोगे तो अभी बिटगर्ट की जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है यानी टीवीएल दिखा रहा है वो 4.9 मिलियन डॉलर दिखा रहा है, ठीक है जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है उस हिसाब से ज्यादा बुरी नहीं है पर ज्यादा अच्छी भी नहीं है, यानी आप देखोगे बैलास में भी लगभग इतनी ही है अभी करंट में अगर देखोगे, लेकिन इसमें जो डोमिनेंस देख रहे हो तो वो सिफिनिक्स का डोमिनेंस 62% है, यानी सबसे ज्यादा जो टीवीएल है वो इसी प्रोजेक्ट के पास है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में देखनी, टोकनोमिक्स पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं, टोकनोमिक्स पार्ट में एक प्रॉब्लम है दैट इज कि इनिशियली 50% बर्न कर दिया, 38% लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, 7% रखा है इन्होंने फ्यूचर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए, 5% रखा है डेवलपर जो टीम है उसके लिए, बट कहीं भी ये डिटेल अवेलेबल नहीं है कि इसका वेस्टिंग शेड्यूल क्या है, जो 7% एंड 5% है कब सर्कुलेशन में आएंगे, ये लॉकअप है इन पे कोई या फिर पूरे अनलॉक्ड है तो ये डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको भी सर्कुलेशन में मान के चलेंगे, तो इसमें जो प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट होगा उसमें ये 7% और 5% भी हम सर्कुलेशन में मान लेंगे। रिसेंट अगर इनके अनाउंसमेंट देखो जैसे अभी एवी ऑफिशियल के साथ अभी इनकी पार्टनरशिप हुई है रिसेंट में, और उससे उससे पहले अगर देखोगे इन्होंने बोला है अभी इनकी ऑलरेडी बात कर रहे हैं एक टीयर वन एक्सचेंज के साथ, जल्दी ही लिस्टिंग इनकी फाइनल हो जाएगी, और उसके उससे पहले आप देखोगे तो नेबॉक्स के साथ हुई है पार्टनरशिप, यानी नेबॉक्स वॉलेट में ऑलरेडी इनका इंटीग्रेशन हो गया, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो 66 ब्लॉकचेन का इन्होंने एक बोला है कि इनके साथ इंटीग्रेट करना है इसको, तो उसी के मतलब लाइक उसी सीरीज में ये लाइक इससे इंटीग्रेशन हुआ है नेबॉक्स से भी, और उससे पहले लाइक कपल ऑफ लिस्टिंग भी हुई है Tier 2 और Tier 3 एक्सचेंजेस पे, और उसके साथ साथ रेंज प्रोटोकॉल के साथ भी इनका इंटीग्रेशन हो गया, इस तरह से आप देखोगे सेवरल ट्वीट्स अवेलेबल और इसी ट्वीट्स में आपको दिख जाएगा रिसेंटली कि इनकी लिस्टिंग भी हुई है कॉइन DCX पे। अब थोड़ा सा आते हैं ये भी कॉइन इनका ऑलरेडी पार्टनर में है, अब मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया, इसकी कंडीशन काफी बेटर है, 892 भी रैंक है एंड इसको भी कभी हम डिटेल में एनालाइज डेफिनेटली करेंगे। उसके साथ मल्टी चेन डेफिनेटली उन सबसे ज्यादा बेटर कंडीशन में है, और ये जो कॉइन है वो ऑलरेडी बाइनेंस पर अवेलेबल भी है, बाइनेंस इतनी बेकार कॉइन्स को इतनी जल्दी लिस्ट नहीं करता है, इसका भी किसी दिन हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जो टीवीएल देखोगे मल्टी चेन की 1.42 बिलियन डॉलर दिखा रहा है, बट दैट इज टू कंबाइंड विद ऑल द ब्लॉकचेन्स फैंटम के इंक्लूड करके इथेरियम बीएससी मून रिवर पॉलीगन एवलेंच ऑप्टिमिज्म लाइक देयर सो मेनी ब्लॉकचेन्स यू कैन सी कंबाइंड फॉर्म में इसमें ये शो कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मल्टी चेन के साथ पार्टनरशिप इनकी डेफिनेटली काफी अच्छी हुई है और ये इनके लिए बेटर होने वाली। अब थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट पे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि इसमें इतनी सारी डिटेल्स ही अवेलेबल थी।
अगर आप पहले देखोगे कि इन्होंने कितनी मार्केट कैप अचीव की है, वो आप नहीं ट्रेस कर पाओगे। उसका रीजन है क्योंकि इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी टाइम तक अपडेटेड नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाएगा 360 मिलियन डॉलर, बट अगर ये तो आप देखोगे 2022 में है, तो उससे पहले काफी ज्यादा बुलरन के टाइम पे काफी अच्छी टीवीएल रही होगी डेफिनेटली, सॉरी मार्केट कैप रही होगी। तो उस केस में वो अवेलेबल नहीं है उसके ट्रेस, तो हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितनी है। अब इसके प्राइस प्रेडिक्शन में क्या क्या वेरिएबल ध्यान में रखे गए वो आप ध्यान से सुनना, ठीक है? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का। प्राइस प्रेडिक्शन में हमने पहले तो ये मान के चला है इसकी 395.6 ट्रिलियन अभी सर्कुलेशन में सप्लाई दिखा रहा है। हमने 7% और 5% जो अदर सप्लाई है उसको भी इंक्लूड कर लोगे तो आप 428 ट्रिलियन लगभग सर्कुलेशन में मान सकते हो, थोड़ी ज्यादा इससे, ठीक है? तो वो भी हम सर्कुलेशन में मान के चल रहे हैं। और दूसरी चीज सर्कुलेशन मान के इसलिए चल रहे हैं कि कोई पता ही नहीं कब अवेलेबल हो जाएगी, तो हम उनको पहले सर्कुलेशन में काउंट कर ले रहे हैं। दूसरा वेरिएबल, इन्होंने जो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की हैं उनकी फिजिबिलिटी, ये पॉसिबल है भी या नहीं है, कर अचीव भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कुछ अनाउंसमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, अभी उसके पास फिर कोई ज्यादा मेजर अपडेट अवेलेबल नहीं है। खुद का रेस्टोरेंट मतलब बनाएंगे, और पता नहीं क्या एक और चीज थी उसमें डिटेल का, मतलब उसमें बी राइट टोकन यूज होगा। फाउंडेशन उसका कंस्ट्रक्शन होने लगा, उसका ट्वीट भी करके पिक्चर भी अवेलेबल कराया था, बट उसके बाद फिर फर्दर डिटेल अवेलेबल नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट मारा था, जो ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं, उसका उन्होंने डिजाइन भी लॉन्च किया था, ब्लैक कलर का एक कार का मॉडल भी लॉन्च किया था। अब ये कार मेकिंग कंपनी बन चुके हैं और उसको खरीदने के लिए आपको बिटकॉइन कॉइन की जरूरत पड़ेगी, उसका मेजर यूज केस हो जाएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इनकी फिजिबिलिटी अगले बुल रन तक ये पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज ध्यान में रखी गई है। उसके साथ साथ कितनी टीम एक्टिव है, टीम कितना एग्रेसिवली वर्क कर रही है, टीम एक्टिव है ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर इसके लिए, क्योंकि आप जनरली देख सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जितनी इसकी टीम एक्टिव है। और अनदर फैक्टर इसमें ये भी ध्यान में रखा गया है कि ठीक है अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इनमें फ्यूचर में कोई बर्न मैकेनिज्म भी आ जाए, तो बर्न मैकेनिज्म आ जाएगा तो प्राइस में और भी ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी कोई इसमें बर्न नहीं है, सप्लाई उतनी ही रहने वाली है, 428 ट्रिलियन ही रहेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है? उस हिसाब से देखा जाए तो अब देखते हैं, पहले तो इनकी जो रिसेंट पार्टनरशिप हुई है इससे इंटरऑपरेबिलिटी डेफिनेटली बेटर होगी इनकी, और दूसरा जो उसके साथ साथ जो इनकी स्मार्ट चेन है उसके कुछ क्लेम हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मिनिमम टारगेट ही देंगे। और अगर क्लेम वो वेरीफाई हो जाएंगे, डिटेल अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम ज्यादा बेटर ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। तो उस केस में उसको हम लाइट नोट पे ही ले रहे हैं, एंड अलोंग विद दैट जो अदर जो एस्पेक्ट है इसके होल इकोसिस्टम के वो भी हम साथ में कंसिडर कर रहे हैं। इसके लिए काफी इजी है, यानी अगर अगले बुल रन तक ये आराम से चाहे, मतलब अगर पीक पे देखा जाए तो 10 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। और अगर ऐसा करता है तो आप ऐसा समझ लो नियरली उस टाइम पे अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई मान के चले कोई बर्न नहीं हो रहा है, तो 0.4024 डॉलर पे ट्रेड करेगा, एंड दैट विल बी रफली 50x फ्रॉम हियर, ठीक है? अगर बर्न मैकेनिज्म आ जाती है, हैवी बर्न होने लगता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। दूसरी चीज, हैवी बर्न होने के साथ साथ अगर मान लो इनमें से कोई एक मेजर चीज अचीव हो पाती है और डिसेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, पॉपुलर हो जाता है, या इनके इकोसिस्टम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, इनकी चेन काफी पॉपुलर हो जाती है, अगर ऐसा कुछ मेजर होता है भविष्य में, तो अभी तक तो नहीं है, तो इसलिए हम कंसिडर नहीं कर, अगर होता है तो डेफिनेटली ये क्या मतलब है ना, उससे भी ज्यादा अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम हम कह सकते हैं 50x का इनमें पोटेंशियल है, यानी अगर करंट प्राइस से देखोगे तो 2 जीरो और किल कर देंगे और 4 जीरो रह जाएंगे। अब अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए इस प्रोजेक्ट से और इसको स्कैम स्कैम बोलते हैं कि स्कैम है, बकवास है, पंप एंड डंप है। पंप एंड डंप वाला सिनेरियो बन रहा है, रीजन उसका यह है क्योंकि बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, उसको डिलीवर नहीं कर रहे। अब ईवी मतलब व्हीकल्स बनाएंगे अब, लेकिन वो मतलब अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं हो सकता, उसको धीरे धीरे कर सेटअप करेंगे, इट विल टेक सेवरल इयर्स। डिसेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे लेकिन उतनी जल्दी डिलीवर नहीं कर सकते उसको, इट डेफिनेटली इट विल टेक इयर्स। तो उस केस में उस टाइम पे पंप आता है अनाउंसमेंट से पहले, और फिर जब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं अरे अभी हाल फिलहाल में तो अचीव नहीं हो सकता, एंड देन इट इज फॉलोड बाय द डंप, तो इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर जो कॉइन है वो स्कैम नहीं है, कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट इतना ज्यादा अग्रेसिवली वर्क नहीं करता है, उसकी टीम इतना ज्यादा अग्रेसिव लेवल पर पार्टनरशिप नहीं करती है। अनदर थिंग, इन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किया था कि हम ए ड्रॉप कर देंगे, कॉइन बेस्ट हमें लिस्ट कर ले तो हम ए ड्रॉप कर देंगे इतना अमाउंट अगर हमें बाइनेंस लिस्ट कर ले, लेकिन उन्होंने दोनों ही एक्सचेंजेस को रिस्पॉन्स नहीं दिया और मतलब काइंड ऑफ लाइक सीरियसली नहीं लिया। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि मतलब टीम तो ट्राई कर रही है हर सब कुछ,
लेकिन कुछ चीजें फिजिबल नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जिन लोगों ने बाई किया है वो डेफिनेटली इसको होल्ड करें, और अगर आपने बाई नहीं किया है, इफ यू वांट टू बाई इट यू मे बाई इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉइन प्रॉमिसिंग लग रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छे रिटर्न नहीं देगा। लेकिन अगर आपको डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अगर आप सोचोगे कि अगर पूछोगे कि क्या हम इसको हम अपने टॉप जो 20 कॉइन है उसमें लिस्ट कर मतलब उस लिस्ट में शामिल करेंगे, तो वो हम डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसका रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन सेवरल एस्पेक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में डिटेल में गिना चुका हूँ। अब ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हुई है, मुझे नहीं लगता शायद कोई यहाँ तक पहुंचा भी हुआ है वीडियो के एंड पोर्शन तक। एक चीज और ध्यान में रखनी, जो भी व्यक्ति बिटगट कॉइन का या शिबा इनू कॉइन का ₹1 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए टारगेट अगर ऐसा कोई दे रहा है, विद मतलब जिनकी सप्लाई शिबा इनू को 549 ट्रिलियन है और इसकी अभी 395 ट्रिलियन दिखा रहा है, वो आप ऐसा समझ लो सिंपल बेवकूफ बना रहा है आपको। और जो शिबा इनू के 1 रुपए के लिए जो कन्विंस हो गए ना, जितने भी लोग जो मतलब टारगेट लेके बैठे हैं कि अगले बुरे तक शिबा इनू 1 रुपया पहुंच जाएगा, आप देख रहे कितना खतरनाक शौक लगेगा उनको जब अगले बुलरन में पहुंचेगा, और तब उनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन तब तक सारा खेल हो चुका होगा, अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का अच्छे कॉइन्स में, और वो सारे उनकी जद से बाहर हो गए होंगे। लेकिन उस टाइम पे उनकी कंडीशन होगी, रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन जो 1 रुपए 1 रुपए वाला जो रिटर्न है उतना नहीं मिलेगा, और बहुत ही लिमिटेड रिटर्न है, वो भी मैं कई वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ना उन्हें उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी, आप देख लेना, आप खुद ही विटनेस करोगे इस चीज को नेक्स्ट बुल रिंग में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।